पटना में विपक्ष दलों की अहम बैठक आज होने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ यहां रणनीति बनाई जाएगी। दोपहर 12 बजे ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में 15 से ज्यादा दलों के नेता शामिल हो सकते हैं और इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पटना पहुंच चुके हैं। भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। अरविंद केजरीवाल सुबह 11:45 पर इस बैठक में पहुंचेंगे। पटना यानी मुख्यमंत्री आवास पर विपक्षी दलों की बैठक होगी। आज विपक्षी दल 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन करने वाली है। के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की यह पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक पटना मुख्यमंत्री आवास पर होगी और आज तकरीबन 15 से ज्यादा सियासी दलों के नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में शिरकत करेंगे और चर्चा का केंद्र यही होगा कि कैसे बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं पटना से इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। बलराम, कई नेता पहुंच चुके हैं, कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला आज सुबह 12 बजे तक जारी रहेगा। आज केंद्र के अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी बड़ी मुखर है, तो ये क्या उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक में अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस मुद्दे को तो रखा जाएगा, इस पर कितना फोकस होगा? देखिए, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल आज विपक्ष की बैठक में संविधान भी लेकर जाएंगे और जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है उसकी कॉपी भी लेके जाएंगे और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला सुनाया था उस फैसले की कॉपी भी लेकर जाएंगे और विपक्ष को बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली के कामकाज को रोकने की कोशिश कर रही है और दिल्ली सरकार के कामकाज को एलजी के हाथ में देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो या बड़े फैसले हों, सभी अब एलजी लेंगे, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जब विपक्ष की बैठक शुरू हो तो सबसे पहले अध्यादेश पर चर्चा हो, क्योंकि अध्यादेश एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अगर विपक्ष एकजुट होकर के खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से ठीक पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर देश की जनता को विपक्ष बता सकता है कि विपक्ष पूरी तरह से एक है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 2024 है उसे रोकने के लिए तैयार है। हालांकि इस वक्त हम पटना मुख्यमंत्री मार्ग पर ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ठीक सामने आप देख सकते हैं ये सीएम हाउस के लिए मार्ग गया हुआ है, कड़ी सुरक्षा है यहाँ पर और 12 बजे जो बैठक है वो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो पटना पहुँच चुके हैं, कुछ नेता रह गए हैं जो अभी पहुंचेंगे। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो भी दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में पटना एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे और उसके बाद इस बैठक में वो भी शामिल होंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विपक्ष की ये महाबैठक है और आज इस बैठक के जरिए 2024 के चुनाव की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि विपक्ष चुनाव से पहले बैठकें तो करता है लेकिन जब चुनाव आता है तो विपक्ष बिखर जाता है, लेकिन आज इस बैठक से स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्ष किस तरीके से एकजुट है और 2024 के लिए विपक्ष की क्या रणनीति है, क्योंकि इस बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर के रणनीतियों पर चर्चा होगी, साथ ही किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष जनता के बीच में जाएगा यह भी तय होगा, साथ ही यह भी तय होगा कि जिस तरीके से एनडीए अपना प्रत्याशी उतारेगा तो उसके सामने एक प्रत्याशी संयुक्त रूप से विपक्ष उतारे ताकि वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के यानी एनडीए के प्रत्याशी से लड़ सके और विपक्ष एक मजबूत स्थिति में हो, इसको लेकर के आज यहां पर रणनीति तय होगी। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बैठक में अध्यादेश एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए और इस मुद्दे पर भी चर्चा हो, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार
दिल्ली में ये अध्यादेश लेकर के आई है वो एक प्रयोग है। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो देश के उन राज्यों में भी ये अध्यादेश लाकर राज्यपाल और उपराज्यपाल के जरिए उस सरकार के कामकाज को प्रभावित किया जाएगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल इस बैठक में अध्यादेश को सामने रखेंगे विपक्ष के, और विपक्ष देखते हैं कि इस पर क्या टिप्पणी करता है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक से ठीक पहले विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर यह आग्रह किया था कि इस बैठक में अध्यादेश पर भी चर्चा हो और इसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से अध्यादेश ला करके प्रदेश सरकारों के कामकाज को रोकने की जो नियत है केंद्र सरकार की वो स्पष्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज बलराम आप मेरे साथ बने रहेगा, आगे भी आपके पास हम लौटते हैं। तो पटना में यह बैठक 12 बजे होगी। पटना की धरती आज एक नया इतिहास रचने वाली है। 46 सालों के बाद देश के करीब 18 बड़ी पार्टियों के नेता, जिसमें कुल 6 मुख्यमंत्री सहित आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हो रही इस बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय सत्रप तय करेंगे कि 24 में मोदी सरकार को घेरने के लिए उनकी रणनीति क्या होगी। कांग्रेस, वाम दलों और राष्ट्रवादी कांग्रेस समेत अधिकांश क्षेत्रीय दलों के शीर्ष नेता वैचारिक मतभेद भुलाकर एक मंच पर जुटेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित देश के तमाम विपक्षी दल के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक आज की बैठक में प्रधानमंत्री पद की बात न होकर वन फॉर वन फॉर्मूला पर चर्चा होगी। विपक्षी एकजुटता को लेकर हो रही बैठक में इस बात पर कोई चर्चा नहीं होगी कि विपक्ष को केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला तो प्रधानमंत्री कौन होगा। बैठक में विपक्षी एकजुटता की चर्चा इस संदर्भ में होगी कि 2024 की लड़ाई में वन फॉर वन फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाए। इसके मूल में यह है कि जिस राज्य में जो दल बीजेपी को हराने की स्थिति में है वो संपूर्ण विपक्ष मिलकर उसका साथ दे। इसके लिए अपने हित की अनदेखी कर केंद्र में बीजेपी को हराने की बात का ध्यान रखा जाए। वही विपक्ष की बैठक से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को यह पता होगा कि अध्यादेश का समर्थन या विरोध बाहर नहीं होता, ये सब सदन के अंदर होता है। खड़गे ने कहा कि जब संसद शुरू होगी सभी पार्टियां मिलकर एजेंडा तय करेंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली हम सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और बीजेपी को इस देश से बाहर करना चाहते हैं। खड़गे ने कहा विपक्ष की बैठक में एक अच्छी राय बनेगी। राहुल गांधी ने पहले ही विपक्षी एकता की शुरुआत की थी और ये बैठक उसी का हिस्सा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अध्यादेश को लेकर चर्चा उस वक्त होगी जब संसद का सत्र शुरू होगा, क्योंकि वहां पर जो भी होना है उस अध्यादेश पर वो संसद के अंदर होगा। मुझे मालूम है, शायद वो खुद ये भी जानते हैं, ऑर्डिनेंस बाहर नहीं निकले, अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता, ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीज़ें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं तो देखेंगे। अब ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है मुझे मालूम नहीं, देखेंगे। वहाँ जाने के बाद मालूम होगा कि हम तो सब मिल के बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक होकर इस बीजेपी सरकार को निकालने का हमारा सभी एक एजेंडा है, उसके तहत सभी लोग मिल के वो काम करने का है। तो वहाँ जाने के बाद सबकी राय एक अच्छी राय बनेगी और उसके बारे में हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये तो शुरू किए थे, सबको मिलकर पहले तैयारी किए थे और वो उसी का एक पार्ट है कि ये पटना में
फिर से एक बार हम सभी लोग मिल रहे हैं। चलिए एक बार फिर से बलराम पांडे के पास चलते हैं, जो पटना से इस वक्त मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। बलराम, मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हम देखे दिल्ली में तमाम जो बड़े नेता हैं अध्यादेश को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों से लग रहा था कि अध्यादेश इस बैठक का अहम मुद्दा नहीं है। अध्यादेश को लेकर चर्चा तो उस वक्त होगी जब संसद का सत्र होगा, रॉयल पार्टी मीटिंग होगी, उसमें विपक्ष के दल जुटेंगे और संसद के सत्र का एजेंडा तय करेंगे, उसमें अध्यादेश को लेकर बात होगी। देखिए, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश को लेकर लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से भी मिलने का वक्त मांगा था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक समय नहीं मिला है। यही वजह है कि बार बार आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे कि आखिरकार वो इस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई है या फिर नहीं। क्योंकि आप देखिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनकी आवास पहुंचे थे, तो उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगे इस अध्यादेश के खिलाफ। और जिस तरीके से अभी आपने सुनाया कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस अध्यादेश को लेकर के सभी विपक्षी दल बैठेंगे और जब सदन की कार्रवाई बुलाई जाएगी तो ये स्पष्ट होगा कि हम इस अध्यादेश के खिलाफ किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और किस तरीके से वोटिंग होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अध्यादेश को लेकर के जो मुद्दा है वो सदन के अंदर का है, सदन के बाहर का नहीं है। सदन में विपक्षी दल एकजुट होंगे, ये भरोसा आप देखिए किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे दिलाते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे पंजाब के हों या उत्तर प्रदेश के हों, वो लगातार इस अध्यादेश को लेकर केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि केजरीवाल भी चाहते हैं कि आखिरकार कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे कि वो अध्यादेश को लेकर विपक्ष के साथ खड़ी हुई है या बीजेपी के साथ। यही वजह है कि आज जब विपक्ष की बैठक है तो केजरीवाल चाहते हैं कि ये स्पष्ट हो जाए कि कांग्रेस आखिरकार अध्यादेश के मामले में वो किसके साथ खड़ी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं आती है तो अध्यादेश को लेकर जो लड़ाई अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं वो लड़ाई पूरी नहीं होगी। क्योंकि 31 सांसद हैं राज्यसभा में कांग्रेस के, ऐसे में अगर कांग्रेस साथ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत दर्ज कर लेगी राज्यसभा में भी। लेकिन अगर कांग्रेस आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस स्पष्ट करे ताकि एक दबाव केंद्र सरकार पर भी बन सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक में क्या अध्यादेश का मुद्दा उठता है या फिर नहीं। क्योंकि कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से मुलाकात की होटल में जा करके और उन्हें भरोसा दिलाया कि आप बैठक में शामिल होइए और हम कोशिश करेंगे कि इस अध्यादेश को लेकर के सभी विपक्षी दल एकजुट हों, क्योंकि आप देखिए जब अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया था कि अगर विपक्षी बैठक में ये अध्यादेश का मुद्दा नहीं उठा और कांग्रेस ने हमें समर्थन नहीं दिया तो हम इस बैठक का बहिष्कार करेंगे यानी वॉकआउट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल नीतीश कुमार जाकर के मुलाकात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल पटना पहुंचते हैं कल इस बैठक में शामिल होने के लिए, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी तो क्या अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे को उठाते हैं या फिर उन्हें कहा जाता है कि ये बैठक 2024 के चुनाव को लेकर है, लिहाजा इस बैठक को संपन्न होने दें, उसके बाद अध्यादेश पर सभी विपक्षी दल चर्चा करेंगे जब सदन की कार्रवाई बुलाई जाएगी और उसी दौरान तय हो जाएगा कि कांग्रेस इस पे वोटिंग करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कंधों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है विपक्ष को एकजुट करने की। और जिस तरीके से राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान पहुंच चुके हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, साथ ही कई पूर्व उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कई पार्टियों के वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी बैठक है विपक्ष की और इस बैठक में 2024 के चुनाव की जो तस्वीर है वो बहुत कुछ साफ हो जाएगी। क्योंकि बार बार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कहती है विपक्ष बैठकें तो करता है लेकिन एकजुटता नजर नहीं आती है।
तो कहीं ना कहीं अब ये बीजेपी को एक जवाब देने के लिए बैठक बुलाई गई है और कहीं ना कहीं इस बैठक में जो विचार हैं, जो सुझाव हैं, वो पार्टियों से लिए जाएंगे और एक ऐसा मजबूत एजेंडा बनाया जाएगा 2024 को लेकर के, ताकि उस एजेंडे पर विपक्ष काम करे और कहीं ना कहीं जो मिशन 2024 है भारतीय जनता पार्टी का, उसे रोके। और इसी पूरी रणनीति के तहत ये बैठक बुलाई गई है और कहा जाता है बिहार की धारा को कि क्रांतिकारी धारा है, यहीं से जेपी आंदोलन हुआ, तमाम आंदोलन हुए। तो ऐसे में जो विपक्ष की एकजुटता है, जो विपक्ष हुंकार भर रहा है, वो भी आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि किस तरीके से विपक्ष ने पटना से हुंकार भरी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और किस तरीके से ये बैठक संपन्न हुई थी। जी ठीक है। और चलिए बलराम, आप मेरे साथ बने रहिए, एक बार अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि इस बैठक में कौन कौन से दल और कौन कौन से नेता शामिल होंगे। तो ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से नेता शामिल होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यानी जेडीयू और आरजेडी तो शामिल होंगे ही। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल की अध्यक्ष ममता बनर्जी बैठक में शामिल होंगी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठक में शिरकत करेंगे। भगवंत मान होंगे। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन इस बैठक में शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती इस बैठक में शामिल होंगी। यानी कुल मिलाकर सीपीआई अवाम दलों की बात करें तो सीपीआई से डी राजा, सीपीएम से सीताराम येचुरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के खिलाफ पटना में जो दल एकजुट हो रहे हैं, उन दलों के पास लोकसभा की 153 सीट है, जबकि अकेले बीजेपी के पास लोकसभा की 303 सीटें हैं। विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल दलों में सर्वाधिक 53 सीट कांग्रेस के पास है। आरजेडी, सीपीआई, एम और पीडीपी समेत तीन दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी लोकसभा की सीट नहीं है। इसके अलावा 11 दल के पास 100 सीटें हैं, इनमें सर्वाधिक 24 सीटें डीएमके के पास है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पास 23 सीटें हैं। शिवसेना उद्धव गुट के पास 19 और मेजबान जनता दल यूनाइटेड के पास 16 लोकसभा सीटें हैं। तो एक बार फिर से पटना चलते हैं। बलराम लगातार पटना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, विपक्षी एकता की बात तो हो रही है, सबका एजेंडा अपना है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो विपक्ष को लेकर कही जाती है कि विपक्ष में एक बड़ी अंदरूनी नूरा कुश्ती है। सब लोग एक साथ तो बैठ रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार का विजय माना जाएगा कि उन्होंने कम से कम सबको एक छत के नीचे एक वक्त में बिठा दिया है, लेकिन यहाँ पर भी एक दूसरे से टसल बहुत ज़्यादा है और ये विपक्षी एकता की सबसे बड़ी कमजोरी है। बिल्कुल सही बात कही है आपने कि विपक्षी एकता की ये सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी कमजोरी को दूर करने के लिए पटना में ये विपक्षी दलों की महाबैठक बुलाई गई है, ताकि सभी विपक्षी दल अपने विचार इस बैठक में रखें और उनको सुनने के बाद एक ऐसी रणनीति तैयार की जाए जिस पर सभी लोग सहमत हों, ताकि 2024 के चुनाव में जब NDA अपना प्रत्याशी उतारे तो विपक्ष संयुक्त रूप से एक प्रत्याशी उतारे, ताकि वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके और जिस क्षेत्र में जो राजनीतिक दल मजबूत है उसे समर्थन किया जाए। हालांकि अभी तक पीएम चेहरे पे बात नहीं हुई है, अभी तक विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा इस पर बात नहीं हुई है, लेकिन ये भी मुद्दा इस बैठक में उठेगा जरूर। लेकिन कहीं ना कहीं जो अध्यादेश का मुद्दा है वो इस बैठक में चर्चा में है, और जिस तरीके से अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि इस बैठक में ये मुद्दा चर्चा का विषय होना चाहिए, उसको लेकर के पटना में जो सियासी पारा है वो काफ़ी
बढ़ गया है और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल ये चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार क्या इस बैठक में अध्यादेश का मुद्दा उठाया जाएगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है अरविंद केजरीवाल को, क्या उस भरोसे पर नीतीश कुमार भी कायम रहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे और इस लड़ाई में वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होंगे। देखिए, जो विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, अधिकांश दलों ने अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दे दिया है और उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ वो सदन में वोटिंग करेंगे और बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। यही वजह है कि जब तक कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है, तब तक आम आदमी पार्टी को पूर्ण भरोसा नहीं होगा कि वो राज्यसभा में बीजेपी को रोक पाएगी। यही वजह है कि ये सारी कवायद की जा रही है कि हम अध्यादेश के मुद्दे को इस बैठक में उठाएंगे और चाहेंगे कि कांग्रेस इस पर समर्थन करे। और आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम सीएम हाउस मार्ग पे ही मौजूद हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर आपको बिहार पुलिस नजर आएगी, साथ ही अर्धसैनिक बल भी आपको नजर आएंगे। यही मार्ग है जो सीएम आवास के लिए जाता है और आप देख सकते हैं कि पोस्टर बैनर जगह जगह लगाए गए हैं, सभी विपक्षी दलों के पोस्टर आपको नजर आएंगे। ठीक सामने आप देखिए ममता बनर्जी आपको दिखेंगी, डी राजा के पोस्टर लगे हुए हैं और नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए लालू यादव का भी पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, अखिलेश यादव हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, यानी तमाम ऐसे नेता हैं जिनके पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, हेमंत सोरेन हैं, यानी आप कह सकते हैं कि पूरे विपक्ष का चेहरा आज आपको यहाँ पर नजर आएगा पोस्टर और होल्डिंग के माध्यम से। और आप देखिए जगह जगह पटना में पोस्टर होल्डिंग बैनर पोस्टर लगाए गए हैं ताकि एक माहौल बनाया जा सके विपक्ष के पक्ष में कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है ऑपरेशन 2024 को लेकर। यानी कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है 2024 का, उसे भेदने के लिए विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं यहाँ पर गश्त करते हुए भी आपको नजर आएंगे, पेट्रोलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे ताकि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। और आप देखिए मीडिया को यहीं पर रोका गया है, इसके आगे जाने की इजाजत मीडिया को नहीं दी गई है और कहा गया है कि जब चलिए बलराम के आसपास। बलराम फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज दिन भर इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लगातार आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो पटना में आज विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है जिसमें आज विपक्ष 2024 के चुनाव को लेकर पहली बार एक साथ बैठेगा और यह तय करेगा कि कैसे बीजेपी को 24 में अपदस्त किया जाए।